नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रोफेसर मैथमेटिक्स के पेपर फोर्थ को कंटेन करने वाली जो आपकी दो बुकें हैं डीजी एनटीए, तो उसमें डीजी से हम यूनिट फर्स्ट कर रहे थे और यूनिट फर्स्ट का ये लेक्चर फिफ्थ है जिसमें हम सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला जो कि काफी इंपॉर्टेंट है स्टेट एंड प्रूव करके आता है, स्टेट एंड प्रूव सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला इस टाइप से, तो इसको हम समझेंगे। तो इसको समझने से पहले दो डेफिनेशन आपको समझनी पड़ेगी, कर्वेचर की और टॉर्शन की। तो सबसे पहले देखते हैं कर्वेचर क्या होता है। कर्वेचर आपने पहले भी पढ़ा होगा बीएससी में, किसी भी कर्व में कितना घुमाव है ये उसकी कर्वेचर से हमको पता लगता है। जैसे कि ये कोई कर्व है, ठीक है, तो कर्वेचर किसको बोलेंगे, इस ये जो कर्व है इसका कितना घुमाव है। अब ये जो घुमाव है कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये हम टेंजेंट ड्रॉ करके करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये वाली ये जो टेंजेंट है, ठीक है, इस पॉइंट पर ड्रॉ करूं ये टेंजेंट, तो ये जो टेंजेंट है ये किस रेट से चेंज हो रही है, ये जो टेंजेंट है ये किस रेट से चेंज हो रही है, ठीक है। ये जो टेंजेंट में जो चेंजमेंट है इसको हम कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन की तो इसमें तो घुमाव ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी कर्वेचर जीरो है। कर्वेचर जीरो है क्यों है, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पर टेंजेंट एक ही लाइन आएगी, ठीक है। तो इसलिए जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी जो कर्वेचर होती है वो जीरो होती है। तो फाइनली हुआ क्या, कर्वेचर का मीनिंग जो टेंजेंट होती है ना, टेंजेंट लाइन, उसमें कितना चेंजमेंट हो रहा है, किस रेट से चेंज आ रहा है इसकी टेंजेंट में, वो होती है कर्व की कर्वेचर, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर, ये जो हमने टेंजेंट ली थी इनको क्या लिख रहे हैं, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर इज कॉल्ड कर्वेचर वेक्टर, दैट इज कर्वेचर वेक्टर किसको बोलेंगे। देखो जो टेंजेंट होती है ना, यूनिट टेंजेंट मतलब टी कैप, उसमें कितना चेंजमेंट होता है, तो डिफरेंशिएट कर दो किसके रेस्पेक्ट में करोगे। देखो यहां पे क्या लिखा है, आर्क रेट यानी आर्क लेंथ के रेस्पेक्ट में, मतलब डी टी कैप बाई डी एस, ये क्या है, कर्वेचर वेक्टर है, ठीक है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूंगा तो उस वो जो मैग्नीट्यूड करने पर जो हमको मिलेगा उसको हम कर्वेचर बोलेंगे। अभी क्या कर्वेचर वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ कर्वेचर वेक्टर इज कॉल्ड कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाई कप्पा। कप्पा को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहां पे, तो जो कप्पा है वो क्या है, जो कर्वेचर वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, डी टी के बाई डी एस इसका मैग्नीट्यूड, मतलब जो कर्वेचर वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड लेंगे हम, उस मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलेंगे, कर्वेचर, और उसको डिनोट किससे करेंगे, कप्पा से करेंगे, ठीक है, ओके। और अगर ये जो कर्वेचर है इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो कर्वेचर की रेडियस हमको मिलेगी, रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड डिनोटेड बाई रो, दैट इज रो इक्वल वन बाई कप्पा, तो ये इसकी रेडियस होगी, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट है इसमें, एक बार समझते हैं इसको। आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर इज कॉल्ड कर्वेचर वेक्टर। कर्वेचर वेक्टर क्या होता है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर में किस रेट से चेंजमेंट हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, आर्क लेंथ के रेस्पेक्ट में, यानी डी टी कैप बाई डी एस, तो डी टी कैप बाई डी एस जो वेक्टर है उसको हम बोलेंगे कर्वेचर वेक्टर, ठीक है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें, किसका, कर्वेचर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लें, तो उस मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलेंगे, ओनली कर्वेचर, कर्वेचर कर्वेचर वेक्टर क्या है, डी टी कैप बाई डी एस, और कर्वेचर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है।
और कर्वेचर की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, जो मैग्नीट्यूड करने पर आपको वैल्यू मिल रही है, जिसको हम कप्पा बोल रहे हैं, मतलब इसको कप्पा से डिनोट कर रहे थे, इसका रेसिप्रोकल, यानी कर्वेचर का रेसिप्रोकल करोगे तो कर्वेचर की रेडियस आएगी, और उस रेडियस को हम रो से डिनोट करते हैं, तो रो इक्वल 1/कप्पा, ठीक है। ओके, ये तो पहली स्टेटमेंट थी, दो स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, एक तो कर्वेचर और एक टोर्शन। बात करें टोर्शन की तो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंजमेंट करने में, टॉर्शन के लिए क्या करते हैं, आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर के बजाय क्या आएगा यहां पे, बाइनॉर्मल वेक्टर, बाइनॉर्मल वेक्टर इज कॉल्ड कर्वेचर, कर्वेचर की जगह आ जाएगा टॉर्शन वेक्टर। टॉर्शन वेक्टर क्या होता है, जो बाइनॉर्मल यूनिट वेक्टर है ना, उसका आर्क लेंथ के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, मतलब जो बाइनॉर्मल होता है उसका किस रेट से चेंजमेंट हो रहा है ना, तो यहां पे क्या आएगा, बाइनॉर्मल यानी बी कैप आ जाएगा, ठीक है। ओके, और जब हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्शन, ये क्या है, ये टॉर्शन वेक्टर है, टॉर्शन वेक्टर ही है, और टॉर्शन वेक्टर का जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ओनली टॉर्शन, ठीक है। तो इसका हमने मैग्नीट्यूड लिया, वो टॉर्शन आ गया, और इस टॉर्शन को हम डिनोट किससे करते हैं, टॉर्शन को हम टो से डिनोट करते हैं, टो, रो नहीं, टो, ठीक है। तो टो क्या आएगा, डी बी कैप बाई डी एस, आर्क लेंथ के रेस्पेक्ट में था ना यहां से, तो डी बी कैप बाई डी एस। अब बात करें इसकी रेडियस की, तो वही सेम प्रोसेस, रेसिप्रोकल करना होगा किसका, टॉर्शन का, रेसिप्रोकल ऑफ टॉर्शन इज कॉल्ड रेडियस ऑफ टॉर्शन एंड डिनोटेड बाई, और किससे डिनोट करेंगे इसको, सिग्मा से, सिग्मा से, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, सिग्मा इक्वल 1/टो, ये आ जाएगा। एक बार फिर से समझते इसको, जो टॉर्शन है वो क्या है, आर्क एंड आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ बाइनॉर्मल वेक्टर, जो बाइनॉर्मल वेक्टर था उसमें किस रेट से चेंजमेंट हो रहा है, आर्क लेंथ के रेस्पेक्ट में, तो बाइनॉर्मल में चेंजमेंट निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, आर्क लेंथ के रेस्पेक्ट में, तो मैंने लिखा डी बी कैप बाई डी एस। तो ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, टॉर्शन वेक्टर, और टॉर्शन किसको बोलेंगे, जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो टॉर्शन आएगा, उसको डिनोट करेंगे टो से, ठीक है। ओके, बात करें इसकी रेडियस की, तो इसका जब आप रेसिप्रोकल करोगे, टॉर्शन जो है आपके पास उसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपको रेडियस मिलेगी, और उस रेडियस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं यहां पे, सिग्मा से, तो सिग्मा इक्वल 1/टो, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन थी, अब हम सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूले लिखेंगे, तीन फॉर्मूले, और फिर इनको ड्राइव करेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूव सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला करके, ठीक है। तो अब देखते हैं सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला, तो अब देखते हैं सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले हैं, पहले इनको लिखते हैं फिर इनको ड्राइव करेंगे 1/1। एक तो है डी टी कैप बाई डी एस का, और एक है डी बी कैप बाई डी एस, और एक डिनो एक रिप्रेजेंट करेंगे डी एन कैप बाई डी एस से, ठीक है। डी टी कैप बाई डी एस किसकी इक्वल है, कप्पा एन कैप, और ये किसकी इक्वल है, माइनस टो एन कैप, इन दोनों में एन कैप आएगा, और एन कैप वाले में बी और टी आएंगे, तो इसको हम लिखेंगे टो बी कैप माइनस कप्पा टी कैप, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, ये सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले, डी टी कैप बाई डी एस किसको डिनोट कर रहे हैं, कप्पा एन कैप को, और डी बी कैप बाई डी एस किसको डिनोट कर रहे हैं, माइनस टो एन कैप को, और डी एन कैप बाई डी एस टो बी कैप माइनस कप्पा टी कैप, ठीक है, टो बी कैप माइनस कप्पा टी कैप। ओके, अब इन तीनों को 1/1 हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं फर्स्ट वाले को प्रूव कर रहा हूं, ओके, देखो तो इसका प्रूफ, सिंस टी कैप स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करें इसका मतलब क्या है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये टी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड तो एक है, उसका स्क्वायर करोगे तो एक ही आएगा, तो इसको मैंने क्या लिखा, ये लिखा, ठीक है। ओके, टी कैप स्क्वायर इक्वल 1 लिखा, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग
विद रेस्पेक्ट टू एस, एस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा, टू टी कैप और इंटू डी टी कैप बाई डी एस इक्वल जीरो हो गया, टू को भी हटाओ, यानी टी कैप डॉट डी टी कैप बाई डी एस इक्वल जीरो। एक ये वेक्टर, एक ही वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, है ना, इसका मतलब डी टी कैप बाई डी एस इज परपेंडिकुलर टू टी कैप, ये वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब ये वेक्टर अगर इस पे परपेंडिकुलर है तो इसकी दो डायरेक्शन में से कोई भी हो सकती है, जैसे कैसे हो सकती है, देखो ये कोई कर्व है, इसके किसी पॉइंट पी पर मैंने एक यूनिट टेंजेंट वेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है, ये हो गया मेरा टी कैप, और इस पे परपेंडिकुलर एक तो ये आएगा एन कैप, मतलब प्रिंसिपल नॉर्मल, और एक इन दोनों पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये होगा बी कैप बाई नॉर्मल, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि जो डी टी एस बाई डी एस है ना वो टी कैप पे परपेंडिकुलर है, तो इस टी कैप यूनिट वेक्टर पे परपेंडिकुलर तो ये भी है और ये भी है, तो इस डी टी कैप बाई डी एस की दो डायरेक्शन हो सकती है, या तो इसके अलोंग जाएगा या इसके अलोंग, क्यों, ये दोनों भी तो परपेंडिकुलर इस पे है ना, तो क्या लिखें, आइदर डी टी कैप बाई डी एस इज अलोंग टू एन कैप और बी कैप, मतलब इसकी डायरेक्शन या तो एन कैप के पैरेलल होगी या बी कैप के पैरेलल होगी, या तो ये वेक्टर एन कैप के अलोंग होगा या बी कैप के अलोंग होगा, जो कि टी कैप की परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम चेक कैसे करें कि किस डायरेक्शन में है, ये जो डी टी कैप बाई डी एस है वो एन कैप की डायरेक्शन में या बी कैप की डायरेक्शन में, ये हमको चेक करना है, ठीक है, ओके। तो अब देखो डी टी कैप बाई डी एस इसका मीनिंग क्या है, डी टी कैप का मतलब क्या है, आर डेस बाई डी एस, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, आर डबल डेस आएगा, एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, आर डबल एस आ गया। अच्छा, अब देखो ऑस्किलेटिंग प्लेन में आपने क्या देखा था, इक्वेशन ऑफ ऑस्किलेटिंग प्लेन, क्या आया था, वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर फॉर्मेट में है ना, तो ये आया था आपके पास आर माइनस आर, आर डैश और आर डबल डैश इक्वल इनका बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल जीरो, ये आया था ऑस्किलेटिंग प्लेन का इक्वेशन। तो अब देखो ये जो आर डबल डैश है ये ऑस्किलेटिंग प्लेन में है ना, ये किसकी कंडीशन है कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, मतलब ये भी एक ही प्लेन में, ये भी और ये भी, तीनों एक ही प्लेन में, कौन से में, ऑस्किलेटिंग प्लेन में है, इसका मतलब आर डबल डैश मतलब ये वाला वेक्टर, ये क्या है आर डबल डैश आपका, तो ये वेक्टर किस में लाई कर रहे हैं, ये तो ऑस्किलेटिंग प्लेन में, ऑस्किलेटिंग प्लेन तो ये होता है टी कैप और एन कैप के बीच वाला, ये क्या ऑस्किलेटिंग प्लेन होता है, ठीक है। तो अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, जो डी टी कैप बाई डी एस है लाइज इन ऑस्किलेटिंग प्लेन, यहां से हमको पता लग गया जो डी टी कैप बाई डी एस था वो आर डबल डैश था, और आर डबल डैश तो ऑस्किलेटिंग प्लेन के इक्वेशन में आता है, ठीक है, कोप्लेनर की कंडीशन में, इसका मतलब ये वेक्टर इस प्लेन में लाई कर रहा है ऑस्किलेटिंग प्लेन में, तो अगर ये वेक्टर ऑस्किलेटिंग प्लेन में लाई कर रहा है और टी कैप के परपेंडिकुलर बोल रखे इसने, देखो यहां पे ये वाला टी कैप के परपेंडिकुलर था, तो टी कैप के परपेंडिकुलर है ऑस्किलेटिंग प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, एन कैप वाली होगी ना, इसका मतलब डी टी कैप बाई डी एस जो है वो एन कैप के अलोंग है, दैट इज डी टी कैप बाई डी एस इज अलोंग टू एन कैप, अलोंग टू एन कैप, ठीक है, मतलब इस वेक्टर की और इस वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हैं, अगर ये दोनों पैरेलल हैं यानी डी टी कैप बाई डी एस पैरेलल है किसके, इक्वल नहीं, पैरेलल एन कैप के, तो ये दो वेक्टर पैरेलल है, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो कंडीशन क्या यूज करते हैं, अगर ए और बी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो ए इक्वल हम लैम्डा भी लिखते हैं, है ना, कोई स्केलर क्वांटिटी आ जाती है जैसे कि हम लैम्डा बोल रहे हैं, तो यहां पे क्या आएगा डी टी कैप बाई डी एस इक्वल, यहां पे मैंने लैम्डा ले लिया कप्पा एन कैप, अब यहां पे मैंने कप्पा ही क्यों लिया, ये फॉर्मूला तो हमने ड्राइव कर दिया है, ठीक है, अब यहां पे कप्पा ही क्यों लिया,
ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। जब मैं बोथ साइड मैग्नीट्यूड लूंगा तो ये तो स्केलर क्वांटिटी एज इट इज आएगी के, और इधर जब मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो कप्पा क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डी टी कैप बाई डी एस। तो डी टी कैप बाई डी एस क्या था हमारा, डी टी कैप बाई डी एस कर्वेचर वेक्टर, और कर्वेचर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम क्या बोल रहे थे, कर्वेचर, और कर्वेचर को हमने किससे डिनोट किया था, कप्पा से। इसलिए आप यहां पे क्या लोगे, कप्पा लोगे। ठीक है, फिर से समझो इसको, हमने क्या किया, टी कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर है ना, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, वन आएगा। ओके, डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने एस के रिस्पेक्ट में, तो एक्स राइज टू पावर एन फॉर्मेट से इसको सोल्व करोगे तो टू आ जाएगी टी कैप, और फिर टी कैप करोगे, टी कैप को डिफरेंशिएट करोगे एस के रिस्पेक्ट में, ये आएगा। ठीक है, टू को इधर भेज दिया तो ये वेक्टर डॉट ये वेक्टर इक्वल जीरो आ रहा है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पे 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा डी टी कैप बाई डी एस जो है वो टी कैप के परपेंडिकुलर है। अब टी कैप जो यूनिट वेक्टर है आपका, उसके परपेंडिकुलर तो दो वेक्टर होते हैं, एक तो एन कैप होते हैं और एक बाई नॉर्मल बी कैप होता है टी कैप पे परपेंडिकुलर, है ना। तो ये जो डी टी कैप बाई डी एस है तो इसकी डायरेक्शन या तो एन के लॉन्ग होगी या बी के लॉन्ग होगी, अब किसके लॉन्ग होगी ये हमको जज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डी टी कैप बाई डी एस है क्या, डी टी कैप बाई डी एस, टी कैप क्या है, आर डैश है, तो मैंने टी कैप को लिखा यहाँ पे आर डैश, उसको एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आर डबल डैश आएगा, मतलब जो डी टी कैप बाई डी एस है वो हमारा आर डबल डैश है, और आर डबल डैश हमने तो किस प्लेन में फाइंड किया था, ऑस्किलेटिंग प्लेन की इक्वेशन में आया था। ऑस्किलेटिंग प्लेन का इक्वेशन क्या था, तीन वैक्टर थे उनका जो डॉट, उनका जो बॉक्स प्रोडक्ट था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था, है ना। तो वो तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे थे, वो वाली कंडीशन थी, इसका मतलब आर डबल डैश ऑस्किलेटिंग प्लेन में था। अगर आर डबल डैश ऑस्किलेटिंग प्लेन में है, ये हमारा ऑस्किलेटिंग प्लेन होता है, ये नॉर्मल प्लेन होता है और ये रेक्टिफाई प्लेन होता है। ठीक है, तो जो ऑस्किलेटिंग प्लेन है इस प्लेन में आपका डी टी कैप आई डी एस, आर डबल डैश मतलब डी टी कैप आई डी एस लाई कर रहे हैं, तो ये जो वेक्टर है ये इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, और कंडीशन ये है कि वो एन कैप के परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर तो ये वेक्टर है, मतलब जो डी टी कैप आई डी एस है उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी जो कि इस प्लेन में है। ठीक है, ऑस्किलेटिंग प्लेन में, तो एन कैप के पैरेलल हो गया ना फिर वो, क्यों, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर था। ठीक है, तो जो डी टी कैप आई डी एस है वो एन कैप के पैरेलल हो गया। ओके, एन कैप के पैरेलल है, दो वेक्टर पैरेलल हैं, जैसे ए और बी पैरेलल होते हैं दो वेक्टर, तो हम क्या लिखते हैं, ए इक्वल लैम्डा बी लिखते हैं, तो वहां पे लैम्डा की बजाय मैं क्या ले रहा हूं, यहां पे कप्पा ले रहा हूं। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन ड्राइव हो गया, फॉर्मूला ड्राइव हो गया। कप्पा ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि जब आप बोथ साइड मैग्नीट्यूड करोगे तो ये तो स्केलर क्वांटिटी, ये तो 12 आ जाएगी। ठीक है, और ये जो एन कैप का मैग्नीट्यूड निकालोगे, यूनिट वेक्टर होने की वजह से इसका मैग्नीट्यूड एक आएगा, तो कप्पा इंटू वन कप्पा हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो क्या आएगा, ये है क्या, ये क्या है, ये कर्वेचर वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कर्वेचर, और कर्वेचर को तो हमने कप्पा से डिनोट किया था ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, कप्पा ही तो आया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको कप्पा लेना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया, अब सेकंड को देखते हैं। अभी जो हमने सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला, जो फर्स्ट फॉर्मूला था उसको ड्राइव किया था, क्या डी टी कैप बाई डी एस इक्वल कप्पा एन कैप, है ना। तो ये जो इक्वेशन था ये तो वेक्टर फॉर्मेट में, कार्टेशियन में और देख लो इसको, कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगी, कार्टेशियन फॉर्म के लिए आपको किस किस की रिक्वायरमेंट है, टी कैप की और एन कैप की, इसकी वैल्यू पुट कर दो आप। तो टी कैप क्या होता है, टी कैप तो होता है एल वन आई कैप प्लस एम वन जे कैप प्लस एन वन के कैप, यहाँ पे एल वन एम वन एन वन क्या है, टी कैप के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, और एन कैप क्या आएगा, एल टू आई कैप एम टू जे कैप एन टू के कैप, ये वाली यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, डी बाई डी एस ऑफ एल सॉरी टी कैप, टी कैप क्या है आपके पास, एल वन आई कैप एम वन जे कैप एन वन के कैप, इधर क्या है, कप्पा एन कैप, एल टू आई कैप एम टू जे कैप एन टू के कैप। अब कंपेयर कर लो, ऑन कंपेयरिंग आई के जे के ए के कोएफिशिएंट की कंपेयर करो, तो ये आएगा डी एल वन बाई डी एस, और उधर क्या है, कप्पा एल टू, इधर डी एम वन बाई डी एस, उधर क्या है, कप्पा एम टू, और डी एन वन बाई डी एस, इधर क्या है, कप्पा एन टू। तो ये जो इक्वेशन आया ये कार्टेशियन इक्वेशन है। ठीक है, ओके, अब हम सेकंड फॉर्मूला ड्राइव करेंगे इसका, सेरेट फ्रेनेट जो सेकंड फॉर्मूला है वो, और वो किसके लिए था, बी कैप के लिए, यानी डी बी कैप बाई डी एस इक्वल माइनस टो एन कैप। तो पहले उसको लिखते हैं, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, इधर लिख देता हूं सेकंड वाला,
डी बी कैप बाई नॉर्मल के लिए था ये बाई डी एस इक्वल माइनस टो एन कैप। प्रूफ, सेंस बी कैप स्क्वायर इक्वल वन, क्यों? बी कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है, और किसी भी यूनिट वेक्टर का स्क्वायर करोगे मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड तो एक होता है यूनिट वेक्टर का, तो उसका स्क्वायर वन आ गया। डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एस, तो क्या आएगा देखो, टू बी कैप डॉट बी कैप का क्या आएगा, डी बी कैप बाई डी एस इक्वल वन का जीरो हो गया, टू को भी जीरो कर दो, यानी बी कैप डॉट डी बी कैप बाई डी एस इक्वल जीरो। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसका मीनिंग ये है, दैट इज डी बी कैप बाई डी एस इज परपेंडिकुलर टू बी कैप, ठीक है, ओके, ये बी कैप के परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। अगेन जो टी कैप है और जो बी कैप है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, टी कैप और बी कैप फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है, ओके। अब डिफ्रेंशिएट करो इसको भी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एस, तो क्या आएगा, डी टी कैप बाई डी एस, बी कैप को एज इट इज लिखा, प्लस टी कैप को एज इट इज लिखा, बी कैप का डी बी कैप बाई डी एस इक्वल क्या था, जीरो था। अब देखो डी टी कैप बाई डी एस क्या है, डी टी कैप बाई डी एस कप्पा एन कैप, फर्स्ट वाला फॉर्मूला, तो लिखा मैंने कप्पा एन कैप डॉट बी कैप प्लस टी कैप डॉट डी बी कैप बाई डी एस इक्वल जीरो, फर्स्ट वाला हमने ड्राइव कर दिया तो हम यहां पे यूज में ले रहे हैं, ठीक है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है कप्पा, तो एन डॉट बी क्या आएगा, ये भी फंडामेंटल यूनिट वेक्टर है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, ये पूरा जीरो हो गया, तो बच्चा क्या टी कैप डॉट डी बी कैप बाई डी एस इक्वल जीरो, दिख तो रहे ना आपको, टी कैप डॉट, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज डी बी कैप बाई डी एस इज परपेंडिकुलर टू टी कैप। अब देखो डी टी कैप बाई डी एस बी कैप के परपेंडिकुलर है, डी टी कैप बाई डी एस टी कैप के भी परपेंडिकुलर है, तो डी बी कैप बाई डी एस की डायरेक्शन क्या होगी, ये कोई कर्व इसके किसी पॉइंट पी पर, ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर हो गया, ये प्रिंसिपल नॉर्मल हो गया, और ये हो गया आपका बाई नॉर्मल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अच्छा अब देखो ये कह रहा है कि जो डी बी कैप बाई डी एस है ना, वो बी कैप के परपेंडिकुलर है, यानी इसके परपेंडिकुलर है एक वेक्टर, अब इसके परपेंडिकुलर या तो ये होगा या ये होगा, इन दोनों में से होगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो डी बी कैप बाई डी एस है ना, वो टी कैप के भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसकी कोई भी वेक्टर उसकी डायरेक्शन किसके अलोंग होगी, बी कैप के अलोंग होगी, क्यों, बी कैप ये एक ऐसा वेक्टर है, अरे ये एन कैप है, सॉरी एन कैप होते हैं, तो फिर से समझो इसको, ये क्या कह रहा है, डी बी कैप बाई डी एस जो है वो बी कैप के परपेंडिकुलर है, कोई एक वेक्टर जो बी कैप पे परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर, तो ये दो वेक्टर है इस पे परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यही वेक्टर टी कैप के भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, अब इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर कोई भी वेक्टर होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एन कैप के अलोंग होगी, क्यों, एन कैप एक ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इस पे भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो जो डी बी कैप बाई डी एस है वो एन कैप के अलोंग होगा, फ्रॉम रिजल्ट फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट डी बी कैप बाई डी एस इज अलोंग टू एन कैप, बी कैप के और टी कैप के परपेंडिकुलर कौन था, एन कैप, तो उसके अलोंग होगा मतलब उसके पैरेलल होगा, यानी डी बी कैप बाई डी एस पैरेलल टू एन कैप, दो वेक्टर पैरेलल है तो हम क्या लिखेंगे, डी बी कैप बाई डी एस इक्वल कॉन्स्टेंट स्केलर इंटू एन कैप, ये आएगा, और यहां पे जो स्केलर हम यूज कर रहे हैं वो यूज करें प्लस माइनस टो, अब यहां पे प्लस माइनस टो क्यों आया, वहां पे कप्पा प्लस का क्यों आया, क्योंकि जो कर्वेचर होती है ना किसी भी कर्व में कितना घुमाव है, या तो जीरो होगा या तो उसकी कर्वेचर जीरो या कुछ और होगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसलिए कप्पा तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, या तो जीरो या जीरो से बड़ा, यानी के ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता है, इसलिए हमने वहां पे के को माइनस का नहीं लिखा, प्लस माइनस नहीं लिया, ओनली प्लस लिया था। और ये क्या है, टॉर्शन,
जो टोर्शन है वो नेगेटिव भी आ सकता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस हमने लिया है, ठीक है। लेकिन सेरेट फ्रेनेट ने जो इस फॉर्मूले को ड्राइव किया था, उन्होंने वो नेगेटिव साइन के लिए ड्राइव किया था, तो क्या लिखेंगे, सेरेट फ्रेनेट यूज्ड डी बी कैप बाय डी एस, डिक्रीजिंग मोड के लिए उन्होंने ड्राइव किया था, तो माइनस टो एन कैप, ठीक है। तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला आ गया। ये तो वेक्टर फॉर्मेट में, एक बार इसको समझते हैं, क्या कि हमने बी कैप का मैग्नीट्यूड एक होता है तो उसका स्क्वायर करोगे तो भी एक ही आएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट किया हमने तो ये जो डी बी कैप है वो बी कैप के परपेंडिकुलर आ गया, डी बी कैप बाई डी एस इसके परपेंडिकुलर आ गया। और ये हमको पता है कि जो टी कैप और बी कैप है वो भी परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको एक रिजल्ट मिलेगा, ये आएगा। तो डी टी कैप बाई डी एस क्या है, ये तो कप्पा होता है, कप्पा एन कैप, तो यहाँ पे लिखा मैंने कप्पा एन कैप और इसका डॉट प्रोडक्ट बी कैप के साथ, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, तो ये पूरा जीरो हो गया, तो ये इक्वल जीरो बचा। इसका मतलब क्या है, डी बी कैप यहाँ पे बी कैप के परपेंडिकुलर था, डी बी कैप बाई डी एस, और यहाँ पे डी बी कैप बाई डी एस किसके परपेंडिकुलर आ गया, टी कैप के परपेंडिकुलर आ गया। तो बी कैप और टी कैप के परपेंडिकुलर कौन होता है, एन कैप होता है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एन कैप के अलोंग हो गई है ना, मतलब एन कैप के पैरेलल हो गया। यहाँ पे साइन हटाएंगे तो प्लस माइनस टो आएगा, टोर्शन टो आएगा, ठीक है। ओके, सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला ने, सेरेट फ्रेनेट ने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया था तो वो डिक्रीजिंग मोड के लिए ड्राइव किया था, तो ये आ गया माइनस साइन, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्मूला हो गया जो कि वेक्टर फॉर्मेट में है। अब कार्टेशियन के लिए आपको क्या चाहिए, इसकी और इसकी वैल्यू चाहिए, बी कैप की और एन कैप की। तो बी कैप क्या होता है, एल थ्री आई कैप प्लस एम थ्री जे कैप प्लस एन थ्री के कैप, और एन कैप L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप। तो वैल्यू पुट करो यहां पे क्या आएगा, इधर कर देता हूं, D बाई डी एस ऑफ B कैप, B कैप क्या है, L3 I कैप प्लस एम थ्री जे कैप प्लस एन थ्री के कैप इक्वल माइनस टो एन कैप, यानी एल टू आई कैप प्लस एम टू जे कैप प्लस एन टू के कैप। कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग क्या आएगा, देखो डी एल थ्री बाई डी एस इक्वल माइनस टो एल टू, डी एम थ्री बाई डी एस इक्वल माइनस टो M2, dN3 by dS equal minus to N2। ये कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, अब तीसरे फॉर्मूले को देखते हैं, इसको रफ करते हैं पहले, तो अब देखते हैं इसका थर्ड फॉर्मूला किसके लिए था, N कैप के लिए। तो dN कैप by dS वो क्या था हमारे पास, मतलब ड्राइव करेंगे तब आएगा, लिखा क्या था हमने, टो बी कैप माइनस कप्पा टी कैप, ये फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम ड्राइव करेंगे, प्रूफ जो शुरू के हमने दो फॉर्मूले ड्राइव किए ना, उन्हीं की हेल्प से इसको लिखेंगे। देखो एन कैप को हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका टी कैप हो गया, टी कैप ये आपका एन कैप हो गया, ये आपका बी कैप हो गया, ठीक है। तो क्रॉस फॉर्मेट में हम एन कैप को क्या लिख सकते हैं, बी क्रॉस टी, ठीक है, बी कैप क्रॉस टी कैप। अब डिफरेंशिएट कर दो एस के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एस, तो क्या आएगा, देखो डी एन कैप बाई डी एस, इसको तो हमको फाइंड करना है। इधर क्या आएगा, बी कैप को एज इट इज रखा, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आएगा डी टी कैप बाई डी एस, फिर प्लस बी कैप को डिफरेंशिएट कर दो, डी बी कैप बाई डी एस और टी कैप एज इट इज, ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर दो, डी एन कैप बाई डी एस इक्वल बी कैप क्रॉस डी टी कैप बाई डी एस, ये क्या था, कप्पा एन कैप, और ये क्या था, डी बी कैप बाई डी एस माइनस टो एन कैप, माइनस टो एन कैप क्रॉस टी कैप, ठीक है। ओके, डी एन कैप बाई डी एस इक्वल, ये कप्पा स्केलर क्वांटिटी आगे आ गई, बी क्रॉस एन, ठीक है, माइनस टो ऑलरेडी आ गए, एन कैप क्रॉस टी कैप। अब इनको सोल्व करेंगे, डी एन कैप बाई डी एस
इक्वल कप्पा, बी क्रॉस एन क्या आएगा, बी क्रॉस एन माइनस टी आएगा, माइनस टी कैप माइनस टो, एन क्रॉस टी, एन क्रॉस टी माइनस बी आएगा, माइनस बी कैप आ गया। इनको तमीज से लिख लो, माइनस माइनस प्लस यानी टो बी कैप और प्लस माइनस माइनस कप्पा टी कैप, चेक करो डी एन कैप बाई डी एस इक्वल टो बी कैप माइनस कप्पा टी कैप, है ना। एक बार फिर से देखो क्या किया हमने, एन कैप को हम क्या लिख सकते हैं, एन कैप को इन दोनों का क्रॉस, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दिया इसके रिस्पेक्ट में यू इंटू वी फॉर्मेट से, तो इसको एज इट इज लिखा, इसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर प्लस इसको एज इट इज, इसको एज इट इज और इसको डिफरेंस क्या किया था, इसको एज इट इज रखा था, इसको डिफरेंशिएट किया था प्लस, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, ठीक है। तो इनकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, डी टी कैप बाई डी एस क्या होता है कप्पा एन कैप वो लिखा, और डी बी कैप बाई डी एस क्या होता है माइनस टो एन कैप वो लिखा। ये तो स्केलर है, इनको तो हमने आगे रखा, बी क्रॉस एन क्या बन गया, रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं तो माइनस टी कैप आएगा, माइनस टी कैप, एन क्रॉस टी रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं तो माइनस बी कैप आएगा, माइनस बी कैप, इनको सोल्व किया तो ये आ गया, ठीक है, ओके। अब बात करें इसके कार्टेशियन फॉर्म की, तो सबसे पहले इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी वो लिखो, और इधर एन की, तीनों की वैल्यू लिखनी पड़ेगी आपको। एन कैप क्या था, एल टू आई कैप प्लस एम टू जे कैप प्लस एन टू के कैप। टी कैप क्या था, एल वन आई कैप एम वन जे कैप एन वन के कैप। और तीसरा जो है बी कैप वो क्या था, एल टू एल थ्री आई कैप प्लस एम थ्री जे कैप प्लस एन थ्री के कैप, ये था आपके पास, ठीक है। अब यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये आएगा आपके पास डी बाई डी एस ऑफ एन कैप, एन कैप क्या है टू वाले, एल टू आई कैप एम टू जे कैप प्लस एन टू के कैप इक्वल इक्वल टो, टो को हम क्या लिख सकते हैं, टो को वन बाई रो, है ना, वन इसका रेसिप्रोकल वन बाई टो, ये क्या था रेडियस आई थी किसकी, टोर्शन की, और उसको तो हमने सिग्मा से डिनोट किया था, तो यहां से अगर हम टो लिखे तो क्या आएगा वन बाई सिग्मा, तो मैंने लिखा वन बाई सिग्मा, वन बाई सिग्मा। और बी कैप, बी कैप क्या है देखो, एल थ्री आई कैप प्लस एम थ्री जे कैप प्लस एन थ्री के कैप माइनस माइनस कप्पा, तो कप्पा क्या था देखो, कप्पा का हमने रेसिप्रोकल किया था, कप्पा का हमने रेसिप्रोकल किया था, मतलब 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 ये कर्वेचर का हमने रेसिप्रोकल किया था, तो उसकी रेडियस आई थी और उसको हमने डिनोट किससे किया था, उसको हमने रो से डिनोट किया था, तो यहां से कप्पा क्या आएगा वन अपॉन रो, तो मैंने लिखा वन अपॉन रो, ठीक है, या फिर एल टू एम टू एन टू फॉर्म रख लेना और ये टो के फॉर्मेट में रेंट देना, ठीक है, ये लिखना चाहो ये लिख लेना, आपकी बुक में ये लिख रखा था इसलिए मैंने ये लिख दिया, तो ये हो गया। और टी कैप, टी कैप क्या है आपके पास, ये वाला वेक्टर यानी एल वन आई कैप प्लस एम वन जे कैप प्लस एन वन के कैप, ठीक है। अब कंपेयर कर लो, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, डी एल टू बाई डी एस किसके इक्वल आएगा, आई के कोफिशियंट एल थ्री बाई सिग्मा और ये माइनस एल वन बाई रो, डी एल एम टू, डी एम टू बाई डी एस वो क्या आएगा, जे के कोफिशियंट यानी एम थ्री बाई सिग्मा माइनस एम वन बाई रो, ठीक है। और तीसरा के का कोफिशियंट यानी डी एन टू बाई डी एस वो क्या आएगा, के कोफिशियंट देखो एन थ्री बाई सिग्मा माइनस एन वन बाई रो, ठीक है। तो ये आपने कार्टेशियन फॉर्म के लिए फाइंड कर दिया, ये हमको प्रो करना था। एक बार फिर से समझो, हमने क्या किया है, n कैप को b क्रॉस की टी लिखा था, ठीक है, डिफरेंशिएट किया ये आ गया, और इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, इनको थोड़ा तरीके से लिख दिया, ठीक है, इसको सॉल्व किया ये आया, इसको सॉल्व किया ये आया, वो साइक्लिक ऑर्डर देखोगे ना वहां से आ जाएगा, तो इनको सॉल्व करोगे तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा कार्टेशियन फॉर्मेट के लिए। ये तीनों आपको लिखने पहले तो, ठीक है, और उसके बाद वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट कर दिए। यहां पे जो टो है उसको हमने लिखा है वन बाई सिग्मा, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो सिग्मा था वो वन बाई टो था, रेडियस थी ना, ठीक है, किसकी, टोर्सन की, ओके। ऐसे ही कप्पा को क्या लिखा, वन बाई रो लिखा, और फिर कंपेयर कर लिया तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई।